दोस्तों दिसंबर के लास्ट में आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होना है, जिसमें कई सारे खिलाड़ी माला माल होंगे, करोड़पति भी बनेंगे। लेकिन दोस्तों इस ऑक्शन में तीन भारतीय खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी ये खिलाड़ी अनसोल्ड रह सकते हैं। तो दोस्तों कौन है वो तीनों खिलाड़ी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं अमित मिश्रा। दोस्तों अमित मिश्रा आईपीएल हिस्ट्री के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं। अमित मिश्रा आईपीएल में अब तक लगभग 174 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों अमित मिश्रा पिछले 2-3 सालों से एलएसजी की टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनको बराबर मौके नहीं मिलते हैं। दोस्तों अमित मिश्रा अब लगभग 42-43 साल के हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी टीम इनके उम्र को देखते हुए और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद ही कोई टीम ऐसी होगी जो इनके ऊपर बोली लगाना चाहेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा पिछले 3-4 सालों से दिल्ली की टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में अब वो पहले जैसी धार नहीं रही और उनकी उम्र भी लगभग 36-37 साल हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों दिल्ली की टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया और ये भी हो सकता है कि वो आईपीएल के ऑक्शन में भी अनसोल्ड रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे खिलाड़ी होंगे अजिंक्य रहाणे। साल 2023 में अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन साल 2024 में अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्ले के साथ बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से चेन्नई की टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया और ये भी हो सकता है कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड रह सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की उम्र भी लगभग 36-37 साल हो चुकी है। तो दोस्तों यही वो तीन खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के हिसाब से इन खिलाड़ियों को कौन सी टीम खरीदेगी, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।